नमस्ते, मैं विरासत कहानीकार डॉक्टर हेमंत जोशी एक होशियार मछली की कहानी बताता हूँ। एक तालाब में बहुत मछलियाँ थी, उसमें एक सादी मछली थी, उसका नाम था एक बुद्धि। दूसरी बहुत होशियार मछली थी, उसका नाम था सौ बुद्धि। एक दिन एक मछुआरा तालाब पर आया, उसने बहुत मछली देखी। वो बोला, मैं कल जाल लेके आऊँगा, बहुत मछली पकड़ूँगा। सब मछलियों ने सुना। एक बुद्धि बोली, चलो दूसरे तालाब में जाएंगे, नहीं तो मरेंगे। सौ बुद्धि बोली, तुम जाओ, मैं मेरा देख लूँगी। अगले दिन एक बुद्धि दूसरे तालाब में चली गई। मछुआरा आया, जाली डाला, मछलियाँ पकड़ी, सौ बुद्धि उसमें मर गई। आओ हम एक बुद्धि बने, एक समय एक विचार से एक काम अच्छा करें। आजकल बहुत लोग होशियार हैं, वह खुद का ख्याल नहीं करते, कोरोना का टीका नहीं लगाते, फिर लाखों लोग रोज़ कोरोना से बीमार होते हैं, अनेकों गुजर जाते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब टीका मिलेगा तो हम कोरोना का टीका लगवाएंगे, दो गज दूरी रखेंगे, मुखौटा पहनेंगे और ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर जाएंगे और सबसे दोहा दूर रहेंगे। और सबको कोरोना से बचाने के लिए यह कहानी हम सबको बताएंगे। यह कहानी हितोपदेश पंचतंत्र से है, वह हमें होशियार बनाते हैं। आओ हम सब पंचतंत्र हितोपदेश की सब कहानियाँ सुने, सबको बताएं, उसके वीडियो नेट पर देखें। यह सबको बताना अच्छी देश सेवा है, यह हम करेंगे। यह कहानी बारामती के डॉक्टर अनिल मुकाशी जी ने बनाई। जय हिंद। डॉक्टर हेमंत जोशी, विरार।